चलिए तो आज हम बनाते हैं पंचामृत, जिसे हम चरणामृत भी कहते हैं। इसे हम श्री कृष्ण जी के भोग लगाने के लिए बनाएंगे जन्माष्टमी के लिए। और इसे हम जब अपने घर में कथा रखते हैं, सत्यनारायण भगवान की रामायण होती है हमारे घरों में, तो ही ये प्रसाद बनता है। तो ये श्री कृष्ण जी को भी बहुत प्रिय है ये प्रसाद चरणामृत। चलिए इसे बना लेते हैं। तो एक बड़ा सा बाउल ले लेते हैं और उसके अंदर हम डालेंगे एक कप भर के हमने लिया है दही, ये गाय के दूध का दही है। और इसके अंदर हम कुछ चीजें डाल लेते हैं। डालेंगे आधा चम्मच घी, गाय का घी हमें डालना है। दो चम्मच हमने पीसी हुई शक्कर ली है, इसे डाल देंगे। एक से दो चम्मच गंगा जल डालना है हमको इसके अंदर। दो चम्मच गाय का दूध, आधा चम्मच शहद डालेंगे इसके अंदर। और अब डालेंगे इसके अंदर हम पंचमेवा। तो हमें पांच रंग के मेवे इसके अंदर डालने हैं, पांच तरीके के। तो हमने लिया है काजू, दो काजू हमने काट लिया है, एक टुकड़ा गरी का मैंने छोटे टुकड़े में काट लिया है। और हमने थोड़े से किशमिश ले लिए हैं 10-12, और तो हमने 10-12 मखाना भी ले लिए हैं। दो बादाम को मैंने लंबे टुकड़ों में काट लिया है। और हमने लिया है तुलसी दल, सबसे जरूरी चीज, बिना इसके तो भगवान का भोग लगता ही नहीं है। तो तुलसी दल को हम साइड में रखते हैं और ये सारे मेवे इसके अंदर हम डालेंगे दही के अंदर। और इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये प्रसाद जब भगवान को चढ़ जाता है तो खाने में बिल्कुल अमृत के समान हो जाता है। तो हमें भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है इस प्रसाद को खाने से। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इन सारी चीजों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो चलिए हम चरणामृत को निकाल लेते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे तुलसी दल। तो तुलसी दल तो हमें जरूर ही डालना है, इसी से नारायण जी का, श्री कृष्ण जी का भोग लगता है। तो आपने देखा ये हमारा पंचामृत कितनी जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, और श्री कृष्ण जी को बहुत ही प्रिय है ये भोग। तो आप कृष्ण जन्माष्टमी पर इसे बनाइए और प्रभु को भोग लगाइए, श्री कृष्ण जी को भोग लगाइए और उनका आशीर्वाद पाइए। जय श्री कृष्ण।